मनुष्य किसी चीज को तब चाहता है जब उसको मालूम हो कि जब मिलने से हमको सुख हो। केवल शौक की बात नहीं है, कौतूहल की बात नहीं है। जब ये निश्चय होता है कि इस वस्तु से हमको सुख मिलेगा, तब उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। ये चीज हमको मिले, ये चीज मिलेगी तो हम सुखी होंगे। और जिस वस्तु से दुख मिलने की संभावना रहती है, उस वस्तु को कोई चाहता नहीं है और उससे परहेज की इच्छा करता है। ये आपकी अपनी बात है, सारी दुनिया की बात है कि जिससे सुख मिले उसको चाहना और उसको पाने के लिए प्रयत्न करना, और जिससे दुख मिलता हो उसको न चाहना और उससे बचने का प्रयत्न करना। अब आप ब्रह्म की बात क्यों सुनना चाहते हैं, ईश्वर की बात क्यों सुनना चाहते हैं, आत्मा की बात क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों आपका ख्याल है कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने से, ईश्वर की प्राप्ति होने से, आत्मनिष्ठा होने से हमको सुख मिलेगा और हम दुख से बच जाएंगे? ये बात आपके मन में है? आप अपने आप को जांच लीजिए। ये बात दूसरी है कि आप कहीं पार्क में घूमने जाएं या समुद्र किनारे घूमने जाएं और एक मील दो मील चलने के बाद जाके सत्संग में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर थकान दूर हो गई, चलो सत्संग में बैठते हैं, इसलिए नमस्कार। समय काटने के लिए सत्संग में बैठना दूसरी चीज है और परमानंद की प्राप्ति के लिए, सत्य की जिज्ञासा के लिए, जड़ता से मुक्त होने के लिए सत्संग में जाना, ये दूसरी बात है। अब आपकी ही एक बात और सुनाता हूं। पांच सात गिन के देखिए, आप सुख चाहते हैं ना? बहुत संक्षेप में सुनाता हूं, आप सुख चाहते हैं ना? और हमेशा रहे ऐसा सुख चाहते हैं, हर जगह मिले ऐसा सुख चाहते हैं। माने सुख आपकी इच्छा का विषय है,
और वो देश और काल से परिच्छिन्न नहीं होना चाहिए, सब समय होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए और सबसे होना चाहिए। और बिना परिश्रम के होना चाहिए और उसमें पराधीनता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मालूम पड़ता हुआ होना चाहिए। आप जरा अपने भीतर देख लो कि आप ऐसा सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो ना, तो इस सुख का नाम ईश्वर है। आप ईश्वर को चाहते हो क्योंकि सब जगह हो, सब समय हो, सब में हो, बिना परिश्रम के हो, पराधीनता न हो, ऐसा सुख तो केवल ईश्वर है। आप उसका नाम जानते हो कि नहीं ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आपके भीतर कहीं न कहीं ऐसे सुख की इच्छा है, अर्थात आप ईश्वर को चाहते हो, ये आपकी बात होगी। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप ईश्वर को चाहिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर को चाहते हैं। ये भला किसी से कहने की क्या जरूरत है कि आप सुख चाहिए, सुख की इच्छा के लिए आप ये किसी से चींटी से भी कहने की जरूरत नहीं है। आप तो मनुष्य है, होशियार है, समझदार है, तो हम आपको आज्ञा नहीं देते हैं कि आप सुख चाहिए, सिर्फ ये बताते हैं कि आप सुख चाहते हैं और दुख से परहेज करते हैं, ऐसा है। और जिस सुख को आप चाहते हैं वह सुख ईश्वर के सिवाय, आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। माने आप सचमुच ईश्वर को चाहते हैं, आप ईश्वर के प्रेमी हैं। अब भूल क्या होती है कि देखो हमारे हृदय के भीतर के अंदर के मन है तो इच्छा ईश्वर की, ईश्वर को पाने की, और हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढने के लिए जाते हैं। यहां गलती हुई, आप चाहते तो हैं हमेशा रहने वाला और अपनी इच्छा का व्याप कर देते हैं मरने वाले के साथ। ऐसे वर्ग होते वर्ग जो जन्म है और मर जा रहे हैं, पर करिए गोपाल जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। आप चाहते हैं हमेशा रहने वाला सुख और उसको पाना चाहते हैं थोड़ी देर में मिट जाने वाली चीज से, मर जाने वाली चीज। आप चाहते हैं सब जगह रहने वाला सुख और ढूंढते हैं उसको छोटी सी जगह में। आप चाहते हैं सुख सबसे मिलने वाला और उसको एक जगह बांध देते हैं। आप चाहते हैं कम से कम परिश्रम में मिले और आप अपनी ओर नहीं देखते हैं, जो मिला हुआ है उसकी ओर नहीं देखते हैं। आप चाहते हैं पराधीनता न हो उसमें और मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं दूसरे से कि तुम हमको सुख दो, तुम हमको सुख दो, तुम हमको सुख दो, तो भूल कहां है देखो। आप सुख चाहते हैं जिसमें भूल नहीं है, वो तो है, और आप ईश्वर रूप सुख चाहते हैं ये भी बिल्कुल भीतर सोलो वाले सौ पैसे बिल्कुल सौ पैसे सच्चा है। बोला कि आप चाहते ईश्वर को ही हैं, लेकिन आप होते हैं
मरने वाली चीज में, थोड़ी दूर रहने वाली चीज में, एक टुकड़े में, मेहनत से मिलने वाली चीज में, दूसरे की मुट्ठी में जो पराधीन है स्वयं में, जो खुद पराधीन है वो आपको क्या सुख देगी। तो वेदांत आपको एक सच्चाई का बोध कराता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, कि आत्मा ब्रह्म है, ये सत्य है, ये नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा सच्ची है, आप उसको ठीक जगह पर ढूंढिए। अब आपको दूसरी बात सुना, आपको डर लगता है कि अरे हम सांप बिच्छू के डर की बात नहीं करते। देखो आप जहां से आए हैं वो अंधेरे में, कहां से आप आए, जहां जाएंगे वो अंधेरे में, आप जन्मने के पहले थे कि नहीं कहीं भी अंधेरे में, और मरने के बाद रहेंगे कि नहीं ये भी अंधेरे में। आप समझते हैं रोशनी इतनी है, तो जब तक ये अंधेरा बना रहेगा ना कि कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तब तक आपका डर कैसे मिटेगा। ऐसे ही आप आंख बंद करके कहो जी पहले हम थे ही नहीं, आगे रह गए नहीं, तो ये भी तो अंधेरे में ही बोलोगे। तो बोले हम स्वर्ग से आए हैं स्वर्ग में जाएंगे, तो ये भी तो अंधेरे में ही बोलेंगे। प्रतिभा आप एक असत्य अंधकार में चलाए जा रहे हैं। आप ऐसे ही अपने मन से सोच लेंगे कि जन्म के पहले मैं नहीं था, वृक्ष के पहले बीज नहीं था, ऐसा सोच लेंगे। वृक्ष के बाद बीज नहीं रहेगा, ऐसा सोच लेंगे। अच्छा थे तो कहां थे, कहां से आए, रहेंगे तो कहां जाएंगे। बाबा आप इस अंधकार को कब तक स्वीकार कर सकते हैं। आपका भय कैसे बचेगा, किसी भी मजहब वाले से आप मिलेंगे तो आपको वो दो जस और स्वर्ग और नरक बता देंगे। मुसलमान भी बताएगा, ईसाई भी बताएगा, हिंदू भी बताएगा। आप कैसे कहेंगे कि ये नरक स्वर कुछ नहीं होता है, तो कहीं से सुन के आएंगे है? नरक स्वर्ग मानने वाले से सुन के आएंगे तो कहेंगे नरक स्वर्ग है, और नरक स्वर्ग न मानने वाले से सुन के आएंगे तो कहेंगे कि नहीं है। आपकी अकल जो है परक प्रत्ययने या बुद्धि ही दूसरे के विश्वास की गुलाम रहेगी आपकी बुद्धि। जैसा संग मिला, जैसा सुना, वैसा बोलने लग गए, वैसा सोचने लग गए, ऐसे डर नहीं मिटता है। वो एक तो आपको यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो वो सुख आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। हमेशा रहने वाला, हर जगह रहने वाला, हर में रहने वाला, बिना परिश्रम के फुरफुराने वाला, जिसमें किसी की गुलामी न करनी पड़े, ऐसा तो बिल्कुल दुख नहीं होगा और सुख होगा। और दूसरे की जो आप अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब धोखा खा लेते हैं तो कहते हैं करे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना बड़ा धोखा। हम आपको गड़बड़ाने के लिए तो नहीं कहते हैं, लेकिन आप कल जिसको मित्र मानते थे वो आज भी मित्र है, ऐसा आपका विश्वास है। आज जिसको मित्र मान रहे हैं वो कल भी मित्र रहेगा, ये विश्वास है। बाबा विश्वास पर ही दुनिया चलती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विश्वास भी अंधकार में है ना, दूसरे के दिल की कौन जानता है।
जो कल आपके पास ऐश्वर्य था संपदा थी वो आज नहीं रही, पर जो आज है वो कल रहेगी ऐसा आप मानते हैं। अंधकार है वो अंधकार है और इसका नाम है अज्ञाना अंधकार। कल जो गरीबी थी वो आज नहीं रही। हम ऐसे सेठों को जानते हैं जो राजस्थान से लोटा डोरी कंधे पर रख के निकले थे और कुछ वर्षों में ही यहाँ आके करोड़पति हो गए। उनकी गरीबी कहाँ गई? गरीबी चले गई। जब गरीबी थी तो ये धनाढ्यता अंधकार में थी हो, और जब ये धनाढ्यता आई तो आगे वाली गरीबी अंधकार में हो जाते हैं। नहीं वही प्रत्युठा निहारे प्रावृता जल दिया। आप कुहासे के भीतर चल रहे हैं, निहारे रम प्रावृता, केवल बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कर्म में जड़ रहे हो रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, असुत्रिपष्ट चल रहे हैं। आप जरा ध्यान दें इस बात को, जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आप निर्भय कैसे होंगे? और यदि आप निर्भय नहीं होंगे, अभय मत की प्राप्ति नहीं होगी तो सुखी कैसे होंगे? ये हमारा विज्ञापन है, वो जैसे जागरा होती है, जब तक हमारा माल नहीं खरीदोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते, तब तक तुम्हारा भय नहीं मिट सकता। ये हमारी वो है खजरी, खजरी बज रही है मदारी की खजरी। हमारी जड़ी बूटी लेकर रख लो अपने पास, तुम्हें सुख रहेगा, हमेशा सुख रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा। स्वराट भवती, सम्राट भवती, आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा, आपकी सारी गुलामी मिट जाएगी। आप गुरु के भी गुरु बनाएंगे, ईश्वर के भी ईश्वर बनाएंगे। गुरु जो व्यस्त निर्णय का स्वम तथोस गुरु गुरु, आप सर्वाधिपति हो जाएंगे। अभी तो आप तो दो रुपया किसी को देना हो तो जाते हैं ना। ये महाराज जो बड़े बड़े परिवार होते हैं ना धनियों के, इनके घर में 5,000-10,000 रुपए का ये पटाखा खरीद के आता है ना। हमको बताया रहे हो, और जिसके घर में खरीद के आता है उसे तो बना है। और जब देवता का दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है? वही है ना, तो कहते हैं पुजारी, पुजारी लोग आजकल अच्छे नहीं होते। लोगों को इतिहास वरिष्ठ भी मालूम है, इस मंदिर का धन कहाँ जाता है, मुकदमे चलते हैं, लड़ाई हो रही है, विश्वनाथ जी का धन कहाँ जाता है, बद्रीनाथ का धन कहाँ जाता है, मंदिर में जो चलता है कहाँ, ब्राह्मण को देते हैं उसे कहाँ जाता है, साधु को देते हैं और कहाँ जाता है। आप तो हिस्ट्री का पता लगाते हैं ना, है? और जो पटाखे खरीद के आपके घर में आते हैं इनका धन कहाँ जाता है, तो कभी सोचा है आपने? अकल का भी कोई आस्था होना चाहिए। गंदे धुएं से नाक फटे, वातावरण खराब हो, रात की नींद खराब हो, आपके धन का सदुपयोग हो रहा है। इसी का नाम सदुपयोग है। हाँ, ब्राह्मण साधु को देंगे तब दुरुपयोग होगा। इसलिए इन समाज सुधारकों से देखो, 2 रुपया देने में आपको लालच आती है। यदि आपको ये ज्ञान हो जाए
तो आप सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को देख सकते, ये सामर्थ्य आपके अंदर आ रही। मालिक आप मालिक है ना, 2 रुपए के मालिक हैं। कभी देखो हम दे देंगे, एक श्रीमती जी यहाँ आती हैं, कथा में शायद बैठी हूँ, आज मैंने देखा है ना, उनके पति ने उनसे 150-200 रुपए का शराब रोज पीते थे वो, बोला अपने पत्नी को कह के गए कि देखो 5 रुपया से ज्यादा किसी साधु ब्राह्मण को मत देना, कसम बना दी, सौगंध, अपनी सौगंध दिला दी अपनी पत्नी। तो बेचारी क्या करे, वो ऐसे कभी कभी 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देती थी, अब उसने रोज 5 रुपया देना शुरू किया। ये बात देते हैं आपको, दुनिया की कितनी पकड़ है आपको, सर्व त्याग लिए सर्वाधिपति, बिचारी के पास रुपया है 5 रुपया नहीं, और 50,000 से प्लेट का रखा हुआ है उसकी तिजोरी में, पर वो 5 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं सकते, पराधीनता है ना, पराधीनता है। एक बात आपको सुनाता हूं, क्या सुख है, मालिक वो है जो अपनी इच्छा के अनुसार संपदा का उपयोग कर सके, और संपदा तो यक्षवित्ता तदत्यदा, बागेश में एक शब्द आता है यक्षवित्ता, जो लोग धरती में धन पहले गाड़ देते थे ना, सोना चांदी तो उस पर आके कोई यक्ष बैठ जाता था, वो कुबेर जी का अंदर वो उसका पहरा देता था, उसमें से एक पैसा खर्च नहीं कर सकता, पहरा देता था। तो आप धन के पहरेदार हैं कि धन के मालिक हैं? एक आप लोग उसकी जादू के खेल की बात हम सुना रहे हैं, देखा है जादू का खेल, चमत्कार चीजें आ जाते हैं ना चीजों। तो हमारे अलीगढ़ के पास एक अतरौली है कस्बा, वहां बढ़िया राधा कृष्ण का मंदिर है, मंदिर में एक दिन आया कोई चमत्कारी, तो उसने कहा शेख से कि तुम जो चीज कहो उसको हम तुमको मनाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक जेवर की पेटी, हीरा मोती की सोना अब थोड़ी देर में महाराज पेटी निकल आई, उसके कपड़े के भीतर से चदरा विचारक, ये जिन होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, वो ऐसी नाम तो भगवान का लेते हैं। पेटी आई खुली, लोगों ने उसको देखा, देखते देखते एक आदमी ने उसमें से हाथ की सफाई से एक हार निकाल दिया, बेटी के बंद हुई चली गई। अब चमत्कार दिखाने वाले सज्जन छटपटाने लगे हुए, अब मरा, अब मरा, अब मरा, तो क्या हुआ, तो बाबा किसी ने इसमें से कुछ निकाल लिया है, वो यदि नहीं लौटाओगे तो मैं मर जाऊंगा। अब महाराज फिर से वो बेटी लौट के आई खुली, वो हार उसमें डाला गया, तब लौट के गए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे क्या, हमने बहुत देखा है। देखो जी के द्रुप के मालिक है ना, अभी ईश्वर कृपा से ठीक है, पदों पर संघानिया, उन्होंने हमको बताया कि हमारे यहाँ एक मुसलमान काम कर रहा था, उसने कहा ये मंदिर जब बन रहा था, उसने कहा बाबू आपको जो चाहिए हमको बताओ, हम मना देते हैं, हमको किसी विद्या मालूम है। तो उन्होंने बताया कि हमको लंदन की अमुक दुकान से अमुक नंबर का धन का जूता चाहिए। उसने कहा अच्छा बाबू, चलो चदरा बिछा के उसके भीतर हाथ डाला, 5-7 मिनट के भीतर बिल सहित हो इस जूते का दाम इतना, बिल सहित वो जूता निकल गया। अभी ये उन्होंने बताया, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई तो ठगने के लिए नहीं बोलते,
हाँ हम लेंगे उसको, पैसा लेंगे तुम लाइए पैसा दिया रख दिया कपड़े से नीचे गायब हो गया पैसा गायब हो गया कि कर रहे तो आप समझते हैं कि एक भूत गाड़ने के लिए बैकुंठ से नारायण आते होंगे आपके घर में शहर गिराने के लिए साक्षात गोलोक का अधिपति भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन के नित्य निकुंज से मधु का संचय करके आपके घर में गिराने के लिए आते होंगे आप ऐसा समझ रहे हैं। देखो ये सब बात जो है गड़बड़ है, जादूगरी नहीं है ये परमार्थ, जादूगरी नहीं है, इसमें सर्वत त्याग का सामर्थ्य होता है। यहां तक कि समग्र इंद्र ब्रह्मांड माया देश तीन विभाग है इसके, इंद्र देश शरीर है और ब्रह्मांड देश जिसमें लक्ष्मी नारायण रहते हैं और माया देश जिसमें ईश्वर और ईश्वर की शक्ति रहती है। अपने स्वरूप के ज्ञान से सर्वत त्याग का सामर्थ्य परमेश्वर ईश्वर इसको बोलते हैं, आप स्वयं में परमेश्वर हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई नहीं। इंद्र ब्रह्मांड माया जीव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर परमेश्वर सबके ऊपर आप हो जाएंगे, आप अधिष्ठान और ये सब आपके अंदर अभ्यस्त अभय पत्नी प्राप्ति हो जाएगी और आप भीतर से जैसा सुख चाहते हैं वैसा सुख आपको मिला मिलाया न निकट न दूर आग्रह दो ले वेदांत का ज्ञान ये परमेश्वर का ज्ञान। और ये नहीं कि मरने के बाद हो, मैंने सुना कि पहले ऐसे रिवाज थे जब कोई मरने लगता तो पादरी से एक चिट्ठी लिखवाता, वो कुछ लेता और चिट्ठी लिख लेता, तो जब उसकी कबर बनती उस आदमी की तो उस कबर में वो चिट्ठी डाली जाती कि पादरी साहब ने सिफारिश की है इनका कल्याण हो जाए। वो हम आपकी सिफारिश करने की बात नहीं बोलते हैं, अपना मरने के बाद आप देश में जाएंगे कि हमारी सिफारिश की चिट्ठी लेके जाएंगे, ये मरने के बाद की बात नहीं है। आपको इसी जीवन में नगद उधार माल नहीं है, ये वेदांत का जो परमानंद है ये उधार माल नहीं, मरने के बाद का नहीं है, ये इसी जीवन का है, इसी समय का। अभयम हो गए जनक प्राप्त हो गई, जनक तुमको अभय पद की प्राप्ति हो गई, अभयम प्रतिष्ठा बिंद गए, अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, आप सर्वाधिपति हो जाते हैं, अज्ञानांधकार फैल जाता है, दुख की छाया नहीं रहती है। ये नहीं है कि आप धीरे धीरे नीति की करा दें तो वो ब्रह्मांड को पार करेंगे, फिर माया को पार करेंगे, फिर दुर्धाम में जाएंगे, 50,000 योजन ऊपर कठो नहीं, 50 करोड़ योजन ऊपर कठो नहीं, यही है अभी है और यही है आप हैं। जब तेरा गर्दन झुकाई देख ली, देख के आईने में है तस्वीरें या आओ आहा। तो ये वेदांत का ज्ञान वादे का सौदा नहीं है, ये भावदाव नहीं है, ये जो मरने के बाद की जितनी है ना प्राप्तियां वो सब वादे का सौदा है। तो हमको यहाँ जितना दे दो हमको वहां मिलेगा, बीमा करा के जाए मरने के बाद हो बेटे को नाती को बोते को इतना मिलेगा, जिंदगी भर तो उसके लिए खटते ही हैं, मरने के बाद भी उसको मिल जाए। मोह का साम्राज्य बड़ा प्रबल, बड़ा प्रबल है। आप ऐसी विद्या वेदांत विद्या ऐसी है कि आपको न इस लोक में किसी का डर रहेगा, न मौत का डर रहेगा, न पुनर्जन्म का डर रहेगा, न नरक स्वर्ग का डर रहेगा, न ईश्वर का डर रहेगा। ईश्वर तो आत्मा स्व ईशान भवति,
ईश्वर तो तुम्हारी आत्मा हो जाएगा, उससे डर क्या है, सारे भय मिल जाएंगे, किसी की मोहब्बत में नहीं फंसोगे, जिससे मोहब्बत हो जाती है बड़ा दुख देता है, किसी से दुश्मनी नहीं रहेगी, आपका मैं किसी के पराधीन परिच्छिन्न टुकड़ा नहीं रहेगा, परमानंद ये जो हमारी विद्या है ना परमार्थ विद्या, ये भीख मांगना नहीं है, ये तुम्हारे संसार से महात्मा एक दिन कहीं रास्ते में चल रहे, सुधन से आ गई राजा की सवारी, उनके लोगों ने कहा कि हट जाओ राजा साहब आ रहे हैं, तो नहीं हंसे, लड़ गए तो राजा साहब ने सुन लिया कि कुछ लड़ाई हो रही है, तो महाराज उधर से अपनी सवारी पर से आ गए सामने पालकी पर से उतरे, तो क्या बात है महाराज आप कौन है, तुम कौन हो, हम तो राजा हैं बीकानेर के राजा हैं, अच्छा आप बीकानेर के राजा हैं, मैं शाम साहब सारी दुनिया का राजा हूं, तुम राजा हो तो क्या कर सकते हो, तुम तो चाहे जिसको अपने राज्य से निकाल सकते हो उन्हीं के राज्य में से, अच्छा तुम अपने राज्य में से सब सांपों को निकाल सकते हो, सब बिच्छुओं को निकाल सकते हो, सब मच्छरों को निकाल सकते हो, अरे झूठे राजा किसको निकाल सकते हो तो अपने राज्य में से, आप बात बहुत पति की कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, आप ऐसे शहनशाह हमारे राज्य में रहते हैं, हम धन्य हैं, आप कभी महाराज हमारे महल में पधारिए, शहनशाह गए महल में, महल के दरवाजे पर गए थे सिपाही पोधे बंदूक महाराज खड़े जाने लगे, तो रोक दिया, राजा कहा है भाई, तो राजा महल में है किले के अंदर है, तो तुम लोग क्यों खड़े हो, तो हम लोग तुम्हारे पर खड़े हैं, कभी तो वो जेल खाने में बंद होना है, राम 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 हमने मिलेगा, लौट रहे हो राजा की दृष्टि पड़ गई, अरे राजा ने इनको बुलाया है, ले आओ ले आओ, बड़े मजे से जैसे उन्होंने खाना चाहा, कमरा खाली करवा दिया गया, चटाई बिछा दी गई, पहले वो पानी रखवा दिया गया, बड़े आनंद चल, शाम को देखा तो राजा साहब बैठते भगवान हाथ जोड़े हुए हैं, कभी भगवान हमारा धन और बढ़े, हमारे राज्य की भूमि और बढ़े हैं, और हमारी सेना और सशक्त हो, हमको और भोग मिले, संसार उठ के चल पड़े, क्यों महाराज क्यों जा रहे, तो मैंने तो समझा था कि तू राजा है, तू तो भिखारी है, तू तो रोज भीख मांगता है, हमको ये चाहिए ये चाहिए एक चाहिए चाहिए, भिखारी है काय का राजा भाई मेरे, एक दृष्टिकोण दूसरा है, इस विद्या का दृष्टिकोण दूसरा है, कहो भगत जी तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, क्या पूछना है, तारीफ सुन सुन के तारीफ सुन सुन के अपने को लोग गुलाम बना देते हैं, ये कोई बात है, एक पिता है हमारे पास आते हैं, तो वो वैसे अपने पुत्रों को बहुत डांटते हैं, दिखता कुछ कम, एक दिन हमारे पास बैठे को हमसे पूछ लिया कि यहाँ दूसरा तो कोई नहीं है, उनकी पत्नी तो नहीं है, ये बेटे तो नहीं है, तो अब बता, जब मालूम हो गया कि कोई नहीं, तो अपने बेटे की बहुत प्रशंसा कर, उनसे बेटे के सामने बेटे की प्रशंसा कर, उनके पुराने ढंग का संस्कार है, बोले कि पत्नी सुन लेगी कि हम बेटे की ऐसी तारीफ करते हैं तो कह देगी उनसे, हम तो चाहते हैं कि उनके अंदर एक दाग न रहे, एक कलंक न रहे, एक गलती न रहे, हम दिन रात धोने का काम करते हैं, उनको मालूम हो जाएगा कि मैं तारीफ करता हूँ, रो में मेरे सामने मेरी इतनी सेवा करते हैं, इतना कमाते हैं, ऐसे होशियार हैं,
है ना, आंखों में आंसू आ गए अपने बेटों की तारीफ करते करते, लेकिन बेटों के सामने नहीं बोलते। आजकल तो महाराज चेले चांटों की तारीफ न करें कि हाँ आप लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो आने छोड़ देंगे, बोला एक गिलास पानी नहीं पिलावे हो अगर उनसे कहे नहीं कि बड़े त्यागी हैं है? और बड़े त्यागी हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तारीफ की तनख्वाह देते हैं, तारीफ की तनख्वाह लेते हैं तब सेवा बजाते हैं, तनख्वाह दे रहे सेवा बजाते, ये विरक्त जी हैं, ये सिद्ध जी हैं, और उसमें अपनी महिमा भी बढ़ती है, कितने बड़े बड़े विरक्त और त्यागी हमारी सेवा कर। ये माया है महाराज, देखो क्षणिष्णु सर्वां विद्या, ये सृष्टि क्या है, ये नाश के कगार पर खड़ी है। स्वयं देव जाता चिर पर यथा एव खलते, समं जयि समृद्धा स्मरण पर दीन्ते गंता, हम जिससे पैदा हुए थे हमारे बाप दादा बचपन में ही चले गए, बहुत दिन हो गए उनके मरे, हम भी ठीक ठीक याद नहीं आते, सकल सूरत याद नहीं आते, जिनके साथ हम बड़े हुए स्कूल में पढ़ते थे। अब महाराज देखते हैं मिलते हैं अभी कभी बाल कटे हुए, कई कई तो झुक गए हैं जो हमारे साथ अलिफ में दे में पढ़ते, हम लोग अलिफ दे में पड़े हुए हैं, बोला आप लोग बी ए में पड़े हुए हैं, हम अलिफ दे में पड़े हुए हैं, तो अलिफ दे में जिनके साथ पढ़ते थे हाथ मिलाते थे खेलते थे, अब कहीं कोई अफसर हो गया है तो कोई रिटायर हो गया है, है? किसी की कमर टूट गई है, किसी के साथ टूट गए हैं, अब वो याद दिलाते हैं कि हम वही हैं वो जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे, तुम तो महात्मा हो गए, इतने बड़े हो गए, अब याद दिलाने से उनकी याद आती है, हमारी क्या हालत है। दिलानी में देश महा प्रति दिवस स्मासन तदना, महा प्रति दिवस स्मासन पतना, रोज रोज महाराज अवस्था ढलती जा रही है, दांत टूटते जा रहे हैं, कमर में दर्द होता जा रहा है, घुटने दुखते जा रहे हैं, बाल पक गए, पहले जहाँ ढाई से एक पक्का दूध पी लेते थे, अब एक प्याले में नाक में डालने पर दूध लेके आने कहते हैं आपको ताजा दूध दे रहे हैं, ताजा गाय का ताजा दूध कहते बना गाय इतना दूध तो हम नाक में डाल लिया करें कान में डाल लिया करें और तुम दूध पिलाने खा रहे हो, दस दस आदमियों के लिए बनी हुई पूरी में एक चार बैठे खा रहे ही हो, अपनी बात बता, रसोई जब खाली हो गई रसोई ने आके जब प्रणाम किया दंडवत किया तब छो, एक बात अब देखो रोज रोज शरीर क्षीणता की हो जाता है, जुकाम हो गया बुखार हो गया प्रतिदिन समाप्त हो गया, बस जैसे एक नदी बह रही हो और बालू के कगार पर एक बड़ा लगा पेड़ लगा हो, कब कौन सी धारा आवेगी, कब कौन सा बाढ़ का झोंका आवेगा, उस पेड़ को बहा के ले जाएगा, ये तो हमारी अवस्था है। और अब ख्वाब देखते हैं पांच बरस में ये होगा, दस बरस में ये होगा, तीन बरस में ये होगा, प्रकाश कुल्यावस्था सिकति नदी तीर सरोवरी, तो बाबा ध्यान दो इस शरीर की ओर और जो तुम चाहते हो सचमुच चाहते हो परम आनंद की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, अभय पद की प्रतिष्ठा सर्वाधिपति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निरोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरस्य दुर्गम पदस्पष्ट ओम शांति।